मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 90। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, होप सो आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो, ये मेरी कामना है। आपने बड़ी मेहनत की है, लिटरली बहुत सारा आपने प्यार दिया है, आप लोगों के एग्ज़ाम है, तो मेरी दुआ है रब से कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और जो कुछ एग्ज़ाम में आए वो आपका सारा पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। ये मेरी दुआ है ऐसी, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो आए एग्ज़ाम में जो आपका पढ़ा हुआ हो। और ये भी आप लोग अपने लिए खुद से दुआ करवाएं, अपने माँ बापों से, क्योंकि माँ बापों की दुआ बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा लगती है, तो इसलिए माँ बापों से ज़रूर दुआ करवाएं। और आपने ईमानदारी से मेहनत की तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा, हाउ डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप चेंज ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। देखो, आपको बता दें, आपके पास जो होता है ये होता है टेलीस्कोप, ये जो ऑब्जेक्ट के तरफ को होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस, और ये होता है आई पीस जो आंख की तरफ को होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है एफ नोट अपॉन एफ ई, ये होता है टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब आपको पता है मैग्नीफिकेशन आपको ज़्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो फोकल लेंथ ज़्यादा रखने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि इसको पतला ले लो आप, ये है, इसको पतला ले लो, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ को आपको कम रखना होगा। तो फोकल लेंथ आई पीस की कम रखने का सबसे अच्छा कारण ये है, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको मोटा कर दो। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कम होती है, दैट्स वाई जो मैग्नीफिकेशन है बहुत ज़्यादा हाई मिल जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं इस लेंस की थिकनेस को पतला कर रहा हूँ, मैं इसको पतला कर रहा हूँ, तो पतला करने से इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास लेंस छोटा है लेकिन फोकल लेंथ मैंने उसकी क्या कर रखी है, बहुत ज़्यादा ले रखी है, तब भी मुझे मैग्नीफिकेशन प्रॉपर वे में मिलेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नीफिकेशन जो है ना इसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, इसके साइज़ से एक चीज़ का फ़र्क होता है कि जो इमेज होती है ना वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है और ज़्यादा गैदरिंग ऑफ लाइट होती है अगर आप एपर्चर ज़्यादा ले लेते हो तो। लेकिन अगर एपर्चर छोटा है तब भी कोई बात नहीं, एक्चुअल में इसकी फोकल लेंथ जो होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए ज़्यादा। तो कहने की बात ये है कि मैग्नीफिकेशन में कहीं पर भी, जो मैग्नीफिकेशन होता है ना कहीं पर भी, आप ये देखेंगे कि इसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, इसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसकी फोकल लेंथ पर डिपेंड करता। इसकी फोकल लेंथ कम और ज़्यादा करने से आपको मैग्नीफिकेशन कम या ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप इसके साइज़ को घटाओगे बढ़ाओगे उससे मैग्नीफिकेशन का कोई ताल्लुकात नहीं है, मैग्नीफिकेशन का ताल्लुकात इसकी फोकल लेंथ से है बस। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था कि अगर हम साइज़ छोटा बड़ा कर दें तो क्या मैग्नीफिकेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन में घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैग्नीफिकेशन पे एक्चुअल में फ़र्क तब पड़ेगा जब आप फोकल लेंथ को चेंज करोगे, और साइज़ घटाने बढ़ाने से एक चीज़ का आपको नुकसान मिलेगा, साइज़ इसका कम या ज़्यादा करोगे ना तो एक्चुअल में जो इमेज है ना, इमेज वो क्लियर या फिर ब्लर, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज बनेगी या फिर बेकार इमेज बननी शुरू हो जाएगी। साइज़ जितना बड़ा साइज़ लोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी इमेज बनेगी क्लियर। होप सो समझ में आ गया होगा, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करो लिख लिख कर।